स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दो दिवसीय उधम सिंह दौरे पर हैं और सीएम ने यहां कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। सीएम धामी आज पंतनगर स्थित नगला पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर सीएम धामी ने खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने खुद भी कुछ दूरी तक साइकिल चलाई। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगला वासियों के घरों पर जो तलवार लटकी है, सरकार उसका समाधान निकालेगी। सीएम ने शहीद देव बहादुर थापा के गांव में बने स्मृति स्मारक का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने शहीद के नाम पर एक विद्यालय का नाम रखने के साथ ही जिलाधिकारी को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि को भी जल्द देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री लालपुर होते हुए किच्छा शहर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। नगला बचाओ समिति के तो छायाकार बंधु, क्योंकि आज का कार्यक्रम बहुत शॉर्ट नोटिस का कार्यक्रम है और आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, निश्चित रूप से मैं आपकी मनोभावनाओं को समझ सकता हूँ कि आप किस प्रकार की अपेक्षा मुझसे रखते हैं। इसके बारे में पिछले दिनों जब राजेश जी देहरादून आए थे तो आपने सारा प्रकरण मेरे संज्ञान में है, क्योंकि पंतनगर के विश्वविद्यालय के बोर्ड का भी मैं सदस्य रहा हूँ, उसमें भी लगातार आता रहा हूँ, तो यहाँ की अधिकांश समस्याएं मेरे संज्ञान में मैं जानता हूँ। और मीराबाई चानू ने ओलंपिक खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में पदक का भारत का 21 साल का इंतजार खत्म किया और 49 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में देश का खाता भी खोला। मीराबाई चानू को उनके इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट करके लिखा है कि टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए वेटलिफ्टिंग महिला 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक का जीतने वाली मीराबाई चानू को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को आप पर गर्व है। कोरोना महामारी की दस्तक के बाद से ही लंबे समय से स्कूल और कॉलेज बंद हैं। अब 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में पठन पाठन का कार्य शुरू होने जा रहा है। यूजीसी की ओर से महाविद्यालयों को खोलने की गाइडलाइन जारी होने के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 सितंबर से प्रदेश के सभी महाविद्यालय खुल जाएंगे और 1 अक्टूबर से महाविद्यालयों में पठन पाठन का काम शुरू हो जाएगा। हालांकि इस दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए जारी केंद्र सरकार और UGC की गाइडलाइन के अनुरूप ही पठन पाठन का कार्य किया जाएगा। सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ एक बैठक की, चाहे निजी विश्वविद्यालय हों, चाहे डीम्ड विश्वविद्यालय हों, चाहे गवर्नमेंट विश्वविद्यालय हों, और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी बुलाए थे। भारत सरकार की SOP जारी हो गई है और UGC का भी गाइडलाइन आ गई है। UGC का कहना है पूरे देश में कि 1 सितंबर से एडमिशन शुरू होने चाहिए और 1 अक्टूबर से जो है पठन पाठन का काम कॉलेज में शुरू होना चाहिए। आज हमने सभी विश्वविद्यालयों को आदेश दे दिए हैं कि 1 सितंबर से कॉलेज का एडमिशन शुरू होंगे और 1 अक्टूबर से हमारे कॉलेजों का पठन पाठन काम। और देहरादून में केंद्रीय मंत्री फग्गन कुलस्ते ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्र सरकार की ग्राम विकास योजनाओं का बखान करते हुए कुलस्ते ने राज्य एवं केंद्र की योजनाओं की जमकर तारीफ की। फग्गन सिंह कुलस्ते ने दावा किया है कि जहां तक सड़कें नहीं पहुंची हैं, वहां 2024 तक पहाड़ों में सड़क पहुंच जाएगी। देखिए, सारे गांव का मतलब जो विलेज है, गांव है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हम 22 तक इसको पूरा करेंगे, अगर 22 तक नहीं हुआ तो उसको 24 तक में पूरा कर देंगे। परंतु आज जो हमारे पास है, जो गांव है, जो संख्या हमारे पास है, उस संख्या को हमने पूरा किया है, ये मैंने कहा है। और इसलिए कि जो छोटे, देखिए हमने पहले हमने शुरू किया था फर्स्ट फेज में 1000 से प्लस, फिर 500 प्लस, 250 प्लस, और ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों को हमने 100 तक की आबादी वाले जो गांव हैं उनको भी हम जोड़ने का ये संकल्प हमारा है। देखिए,
और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष 2 माह के भीतर तीसरी बार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 28 जुलाई को भाजपा संगठन और संघ के मध्य अहम बैठक दून के तिलक रोड स्थित संघ दफ्तर में होगी। एजेंडा इस बैठक का क्या होगा, इस सवाल का जवाब देने से प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बच गए, और लेकिन सूत्रों की माने तो बैठक में कांवड़ यात्रा निरस्त होने का क्या असर आगामी समय में चुनावों पर रहेगा। चीन की घुसपैठ की बड़ा होती उत्तराखंड बॉर्डर पर हर गतिविधि और देवस्थानम बोर्ड के मसले पर क्या निर्णय हो, इस बैठक का एजेंडा होगा। हमारी एक सामान्य बैठक हमेशा होती है, वो परिवार की बैठक है। उस परिवार की बैठक में हम लोग भी जाएंगे, बैठक का एजेंडा वो वहीं था। और आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान ने आप प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की और बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रति माह हर परिवार की घोषणा करने के बाद उत्तराखंड की जनता में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। आप द्वारा फ्री बिजली के लिए शुरू हुए गारंटी कार्ड अभियान के तहत पिछले 7 दिन में अब तक कुल 1,39,000 लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल जी ने देहरादून आकर उत्तराखंड आगमन पर बिजली कैंपेन को गारंटी दी 300 यूनिट निशुल्क बिजली देने की। उसका जो समर्थन उत्तराखंड में मिल रहा है, 7 दिन के अंदर 1.5 लाख लोगों ने अपने को रजिस्टर करा लिया और हमने उनको गारंटी कार्ड बांट दिए, यानी आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने घर घर जाकर इतना अच्छा रिस्पांस इसमें मिल रहा है। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है कि लोगों ने इस योजना को हाथों हाथ लिया और लोग बहुत खुश हैं। और उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा बने कर्नल अजय कोठियाल के नाम पर चुटकी लेते हुए कहा, ऐसे कई कर्नल जनरल उत्तराखंड में हैं जिस पार्टी का मुखिया कहता हो कि सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई, सबूत दो, ऐसे व्यक्ति की पार्टी को देवभूमि की जनता माफ नहीं करेगी। उत्तराखंड से हर पांचवा व्यक्ति सेना में है या किसी ना किसी रूप में सेना की सेवा कर रहा है, ऐसे कर्नल जनरल से उत्तराखंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव आने पर जनता सबक सिखाएगी। जिस पार्टी का मुखिया सेना की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाता हो, कहता हो कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, इसका सबूत मांगता हो, तो उसको यहाँ की जनता सबक सिखा देगी, क्योंकि यहाँ के परिवार का कोई ना कोई सदस्य देश की सीमा पर देश की रक्षा कर रहा है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है, हर पांचवा सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है, तो आम आदमी पार्टी की दाल यहाँ पर गलने वाली नहीं है। और न्यूज़ वन इंडिया पर गणेश गोदियाल एक्सक्लूसिव, उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, और क्या कुछ कहा उन्होंने वो हम आपको बताते हैं। पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसे निभाऊंगा, क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल साहब इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, किस तरीके से मिशन 2022 को लेकर स्ट्रेटजी है? निश्चित रूप में पार्टी ने ये जो भरोसा किया है हम सब पर और सभी को उनके अनुरूप जवाबदारियाँ दी हैं, सिर्फ मुझे ही नहीं लेकिन सभी को, बहुत से लोगों को इस टीम में जवाबदारियाँ दी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग संयुक्त रूप से प्रयास कर हमारे हाईकमान की इच्छाओं को और हमारे प्रदेश के सम्मानित जनता की इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रयोग के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष तो खैर अब बनाए गए, लेकिन 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, इसके पीछे मैसेज क्या है? क्या सर्वसहमति नहीं थी इसलिए 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाने पड़े? इतने छोटे से राज्य में इतने ज़्यादा दायित्वों को बांटना, ये क्या मैसेज कन्वे करता है? ऐसा है कि मैं नहीं समझता कि असहमति की कहीं बात थी, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कांग्रेस पार्टी का कि हमारे पास नेतृत्व का, विकसित नेतृत्व का, समझदार नेतृत्व का इतना बड़ा खजाना है कि मैं ये तुलना कर सकता हूँ कि हमारा ब्लॉक का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के स्तर का विचार, ज़्यादा अच्छा विचार रखते हैं राजनीति में। ऐसी अमूमन देखा गया मल्टी लीडरशिप में कहीं ना कहीं डिरेल भी होते हैं। मल्टी लीडरशिप, सब अपने अपने तरीके से अगर चीजों को चलेंगे तो फिर एक गोल को पाना वो काफी मुश्किल हो जाता है, तो कैसे सामंजस्य बिठाएंगे सबके साथ? ऐसा है कि ये मेरी भी इच्छा थी कि
ऐसी टीम बने, ये मेरी भी इच्छा थी और हाईकमान ने मेरी इच्छा को पूरा किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर जो डिरेल की आपने बात की है, डिरेल हुआ तो ये मेरी नाकामी होगी। मैं आज अपने इस करियर की शुरुआत के दौर में ये बात कह रहा हूँ, ये मेरे पे डिपेंड करता है कि इसको ऑन ट्रैक, इस रेल को कैसे रखना है, ये मेरी जवाबदारी होगी। और मैं बहुत दृढ़ निश्चय के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि मैं ये काम निश्चित रूप में कर पाऊँगा। एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी ने तो पुष्कर धामी के रूप में अपना चेहरा पेश कर दिया है, आम आदमी पार्टी वहाँ पर अभी नई नई आकर के मतलब जद्दोजहद कर रही है, लेकिन उसने भी कर्नल कोटियाल के तौर पर जो है अपना चेहरा पेश कर दिया है, कांग्रेस की तरफ से चेहरा कौन होगा? देखिए बात, आप मुझे लगता है कि आप जो है जो बात पूछना चाह रहे हैं, निश्चित रूप में सभी के मन में ये बात होगी। कांग्रेस के नेता भी ये पूछ रहे हैं कि भाई किसके लीडरशिप में हमें लड़ना, लेकिन अध्यक्ष के रूप में मेरी प्राथमिकता पहले वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के शासन को हटाना पहली प्राथमिकता होगी, जनता के दरवाजे पर जाना पहली हमारी प्राथमिकता है। जिस दिन हम इस काम को कर देंगे, जिस दिन ये काम, ये किला, ये बड़ा जो हमारा लक्ष्य है, इसको, इस लक्ष्य को जिस दिन हम फतह कर लेंगे, उस दिन हम इस बात पर सबसे पहले आपको आमंत्रित करेंगे कि हमारी मन में क्या। इसका मतलब कांग्रेस बगैर किसी चेहरे के 2022 के चुनाव में जा रहे हैं। हमारे पास तमाम चेहरे हैं, हमारे पास हरीश रावत जी चेहरा हैं, प्रीतम सिंह जी चेहरा हैं, किशोर भाई, किशोर उपाध्याय जी चेहरा हैं। और मैंने कहा ना कि किशोर उपाध्याय तो खासी दुखी भी हैं, नाराज भी हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद किया लेकिन उन्हें कोई पद या दायित्व नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक मोर्चे पे जिसको ठीक समझा ऊपर हमारे हाईकमान ने वो सब किया है, और उनको भी जिस मोर्चे पे उनके लिए भी स्थान बन रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको, वो हमारे बहुत ही श्रेष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं, मेरी इच्छा है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल, ये थे गणेश गोदियाल साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे बतौर अध्यक्ष जो जिम्मेदारी मिली है, मैं पूरी टीम को लीड करूंगा और अगर इसमें नाकामयाब होता हूं तो जिम्मेदारी मेरी खुद की होगी। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, दिल्ली। उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे को लेकर परिजन मुखर हो गए हैं। पुलिस के सीनियर अफसरों और मंत्री के अनुरोध को दरकिनार करते हुए परिजनों ने 25 जुलाई को गांधी पार्क में बैठक का निर्णय लिया है। इसके लिए बकायदा सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति भी मांगी गई है। इस बैठक में परिजनों के द्वारा आंदोलन की रणनीति पर निर्णय लेने की बात कही जा रही है। उत्तराखंड में पुलिस जवानों के ग्रेड पे को लेकर विवाद चल रहा है। इस मामले में सरकार ने कैबिनेट की उप समिति गठित कर रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी जवानों के ग्रेड पे को लेकर सकारात्मक है। बावजूद इसके जवानों के परिजन मामले में जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया में खूब समर्थन जुटाया जा रहा है। तो लंबे समय से पुलिसकर्मी ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन की तरफ से अब तक इस पर कुछ नहीं किया गया है। ऐसे में पुलिस वालों के नाराज परिजन देहरादून में 25 जुलाई को धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आपको बता दें, इसको लेकर एसएसपी ने पुलिस फोर्स को प्रदर्शन और नारेबाजी से दूर रहने को कहा है। इसके साथ ही एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने पुलिसकर्मियों के परिजनों से अपील की है कि वह ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल ना हों जिससे पुलिस की मर्यादा भंग होती है। इसके बावजूद अगर कोई भी धरना प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा सकती है। 25 तारीख को होने वाले प्रदर्शन और बैठक के संबंध में पुलिस परिवार के सभी सदस्यों से यह अपील करना चाहता हूँ कि कतिपय तत्वों के बहकावे में आकर ऐसा कोई कार्य न करें जिससे पुलिस विभाग की छवि खराब हो और शासन के बारे में नकारात्मक माहौल पैदा हो। हम लोग एक वर्दीधारी अनुशासित पुलिस बल का सदस्य हैं जिनसे कि मर्यादा और अनुशासन के उच्चतम मापदंडों की अपेक्षा की जाती है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि वर्दीधारी होने के कारण संपूर्ण समाज की निगाहें हमारे आचरण पर रहती हैं और हमारे आचरण से कोई ऐसी भी बात परिलक्षित नहीं होनी चाहिए जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का नकारात्मक छवि पुलिस के बारे में बने। कोरोना संक्रमण के कारण उत्तराखंड सरकार ने इस साल भी कांवड़ मेला स्थगित कर दिया है। कांवड़ मेला स्थगित होने के बाद बॉर्डर पर अतिरिक्त फोर्स तैनात करने के साथ चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही चोर रास्तों पर भी पुलिस पिकेट लगाई गई है ताकि कोई भी कांवड़िया उत्तराखंड में प्रवेश न कर सके। बाहर से आने वाले तमाम यात्रियों को भी चेकिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। जो यात्री कांवड़ के मकसद से आ रहे हैं उन्हें बॉर्डर से ही वापस लौटाया जा रहा है। एसएसपी डी सेंथिल अबुदई कृष्णराज का कहना है कि कोई भी बाहरी यात्री नियमों के विरुद्ध उत्तराखंड में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सीमावर्ती राज्यों सीमावर्ती जनपदों से हमने बाहर मीटिंग किया, सभी ने कहा था कि जो है अब जो है ये कांवड़ मेला का प्रतिबंध करने में पूरा सहयोग देने करके। अभी हमारा तरफ से दो कंपनी 30 जो ऑलरेडी हमारे सभी बॉर्डर में तैनात है, हमारा फोर्स तो लगातार जो है बॉर्डर में तैनात है और जो भी वाहन जो नियम का पालन ना करते हुए आते हैं उनको हम वापस भी कर रहे हैं। आज कुछ फोर्स हमें बाहर से मिला है, अभी उसका रवाना हो रहा है, आज शाम तक जो है उस फोर्स का तैनाती जो है हम बॉर्डर पर कर देंगे ताकि जो है कल से जैसा कांवड़ मेला शुरू होगा हमारा। और हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा के स्नान पर कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ गई और शासन प्रशासन के द्वारा किए गए दावों की भी हर की पौड़ी पर आज पोल खुलती नजर आई। हरिद्वार में हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे, ये श्रद्धालु ना तो कोविड गाइडलाइन का पालन करते दिखे और ना किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई पड़ी। पुलिस प्रशासन भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर स्नान के लिए हर की पौड़ी पहुंचे और श्रद्धालुओं से कोविड गाइडलाइन फॉलो करवाने में नाकाम साबित हुआ। पौड़ी के सफाई कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पौड़ी कलेक्ट्रेट के सामने शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत का पुतला दहन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो डीएम कार्यालय के साथ एसएसपी कार्यालय के बाहर कूड़े का ढेर लगा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को आपदा की चेतावनी भी दी है। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, हमारे सफाई कर्मचारी भाई पिछले 6 दिन से अपनी 11 सूत्रीय मांग के लिए और बिल्कुल जायज़ मांग जो इनकी है ये अपना संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारे अनिश्चय परिवार, हमारा छात्र संघ परिवार और हमारा कांग्रेस परिवार इनको पूर्ण रूप से समर्थन देता है, क्योंकि जिस प्रकार कोविड काल में इनके द्वारा कार्य किया गया, जनहित के कार्य में ये बढ़ चढ़कर अपनी जान जोखिम में डालकर आ गया है, लेकिन आज एक गूंगी भरी सरकार इनके हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के फैसले लेती है, इनकी बात को अनसुना कर रही है, ये बहुत ही दुखद है और आज हम इन्हें पूर्ण रूप से समर्थन देते हैं। और लाल कुआ नगर पंचायत क्षेत्र में भी सफाई की व्यवस्था राम भरोसे चल रही है, क्योंकि सफाई कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं और सरकार से जल्द मांगे मानने की मांग कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से जगह जगह गंदगी का अंबार लग गया है। साहब ना चेयरमैन साहब ना डीएम साहब, अधिकारी तो हमारे सिर्फ मुख्यमंत्री जी हैं, वो ही नहीं सुन रहे हमारी बात को, जबकि हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं, है नए नए मुख्यमंत्री बने, नौजवान मुख्यमंत्री बने, उनको सफाई कर्मचारियों के विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि ये 7,000-8,000 में क्या करेंगे, है किराए पर रह रहे हैं ये, इनके बच्चे हैं चार चार, दो दो, किसी के तीन तीन, कैसे 8-7 हज़ार में गुजारा करेंगे। ये हमारा प्रदेश स्तर पर हमारा ये हड़ताल चल रही है और 11 सूत्री मांगों पर ये हमारी हड़ताल है और आज हमारा 6 दिन ये आंदोलन का हो चुका है और लगभग हमारे 20 कर्मचारी, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो अभी हड़ताल पर हैं और आज हमारे ये आंदोलन के रैली निकाली जा रही है लालकुआ में और आगे जो भी प्रदेश स्तर का जो निर्देश होगा। और रुड़की से खबर आ रही है, नगर निगम सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल, धरना स्थल पर पहुंचे भाजपा मेयर को झेलना पड़ा विरोध और मेयर के सामने ही सफाई कर्मचारियों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं सफाई कर्मचारी। रुड़की शहर में सफाई व्यवस्था ठप हुई है, शहर में जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए, साथ में सफाई कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो, पुरानी पेंशन बहाली हो और नए आवास सफाई कर्मचारियों को आवंटित किए जाएं। हम तकरीबन 5 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जो प्रदेशव्यापी हड़ताल इनके तत्वाधान में चल रहा है, वो सफाई देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के तत्वाधान में चल रहा है और पूरे प्रदेश में प्रदेशव्यापी हड़ताल हो रही है। कर्मचारी अपनी मांगों के लिए बैठे हैं और इनके जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, प्रदेश स्तर के कर्मचारियों के जो यूनियन के नेता हैं, वो राज्य सरकार से अपनी मांगों को लेकर के बात कर रहे हैं। अधिकांश शहरों में आंशिक रूप से 1 दिन 2 दिन 3 दिन की हड़ताल की गई, सब जगह हड़ताल खत्म हो गई और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करने के लिए आज आया हूँ, सफाई कर्मचारी अपने भाइयों और बहनों के बीच में, कि इसे सफाई कर्मचारी इसे हड़ताल को समाप्त करें। रुड़की शहर के अंदर गंदगी हो चुकी है, उसे साफ सफाई करें, लोगों की रक्षा करें। 2.5 लाख की पॉपुलेशन है रुड़की की, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी जितनी मेरी है उतनी आपकी भी है। अपना करो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपसे बाहर कहीं नहीं हूं। कर्मचारी अपनी मांग।
और वन विभाग के थानो रेंज अंतर्गत नकरौंदा में आज पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वयं वृक्षारोपण के साथ साथ कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी 600 पेड़ों को लगाया है, जिसमें वन विभाग के कर्मचारियों ने भी पौधों का रोपण किया है और सैकड़ों पेड़ आज नकरौंदा में रोपित किए गए हैं। साथ ही स्थानीय कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी सुना है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत लगातार पूरे प्रदेश में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कर रहे हैं, साथ ही अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। उनकी इस मुहिम को व्यापक जन समर्थन भी मिल रहा है। उत्तराखंड के लोगों की एक तो वनों के प्रति स्वाभाविक अभिरुचि है, क्योंकि हमारा जो जनजीवन है वो वनों पर आधारित रहा है और वनों का क्या महत्व है यहाँ की जो शिक्षित जनता वो बहुत अच्छी तरह समझती है। केवल उनको याद दिलाने की ज़रूरत है, कहना चाहिए बोलचाल में अगर हम कहें, और वही काम हमने किया है और तमाम दूरस्थ क्षेत्रों तक जो हमारे सीमांत गांव हैं, ऐसे 3-4 गांव में मेरा जाना हुआ। जो देखिए, जहाँ तक हम लोग वृक्षारोपण की बात करें तो बेसिकली दो तरह के टारगेट डिपार्टमेंट के पास रहते हैं। पहला टारगेट तो जो हमारा विभागीय प्लांटेशन होता है, जिसमें कि हमारा जैसे लैंड ट्रांसफर के केसेस हैं, कैंपा में जो हमें पैसा मिलता है, और बहुउद्देशीय योजना हमारी अपनी योजना है जो विभाग की, देन नमामि गंगे में हम लोग प्लांटेशन करते हैं। तो जो देहरादून डिवीजन का इस साल का जो टारगेट था हमारा प्लांटेशन का, 309 हेक्टेयर का हमारा टारगेट है और लगभग हम लोग जो 280 हेक्टेयर के आसपास। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।